इस बात में कोई शक नहीं कि कांग्रेस की तरफ से कोई भी कसर बाकी नहीं रखी जा रही है। शाहनवाज हुसैन का ये कहना है कि जीत की गुहार भले ही लगा लिया जाए, भले ही कोशिश कितनी भी कर ली जाए, लेकिन कांग्रेस की जीत नहीं होगी। जी हाँ, बात सही है बिल्कुल शाहनवाज हुसैन की, कि सिर्फ और सिर्फ कोशिशें कामयाब नहीं हो पाएगी, जनता ही इस पर निर्णय लेगी, जिस पर आखिरी चरण बाकी है। 19 मई की तारीख को होने वाला है आखिरी चरण का मतदान, यानी कि सातवें चरण की वोटिंग की बात कर रहे हैं, जहां पर होगा निर्णय कौन मारेगा बाजी और कौन होगा हार का हकदार। जी हाँ, आखिरी चरण में होगा फैसला मतदाताओं के माध्यम से, 59 सीटों में कौन कौन किसके हकदार होगा। ऐसे में हाल ही में एक बार फिर से शाहनवाज हुसैन का नया स्टेटमेंट आया। जी हाँ, बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन, जिन्होंने एक मीडिया को इंटरव्यू में बताया कि लोकसभा चुनाव 2019 का नतीजा इस बात को गवाह देते हुए नजर आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में जो काम किया है, उस काम से जनता पूरी तरह से खुश है। शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस के बैठक को लेकर आई उड़ती उड़ती खबरों पर भी बात की। जैसा कि हमने आपको बताया ही था अपने पिछले रिपोर्ट में, कांग्रेस को लेकर ये खबर आई कि सोनिया गांधी ने निमंत्रण पत्र भेजे हैं तमाम एनडीए गैर एनडीए तमाम नेताओं को, गैर एनडीए पार्टियों को। तो इसी पर बात करते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस डरी हुई है, कांग्रेस काफी ज्यादा डर गई है और उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि 44 सीटों से भी ज्यादा रिड्यूस करने वाली है इस बार कांग्रेस की हकदार की सीटें। तो वहीं इसी के साथ उन्होंने कहा 23 मई की तारीख के बाद सोनिया गांधी से कोई भी मुलाकात करने और कांग्रेस लीडर से मिलने नहीं आने वाला, ना ही राहुल गांधी का नाम किसी की जुबा पाएगा और ना ही प्रियंका गांधी की गुहार काम आएगी। जी हाँ, शाहनवाज हुसैन ने कहा कांग्रेस के नेताओं से कोई भी मुलाकात नहीं करने वाला है 23 मई की तारीख को आने वाले नतीजे के बाद, और इसी डर से कांग्रेस लीडर्स तमाम साजिशें कर रहे हैं। सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस की चेयरपर्सन है, उन्होंने ओपोजिशन के लीडर विपक्ष के तमाम नेताओं से मुलाकात की प्लानिंग 23 मई की तारीख को इसलिए की है ताकि किसी भी तरह से उनके संपर्क में, उनके सहारे के साथ जीत की तरफ बढ़ा जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से मोदी सरकार ही बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी, इसी बात का गुहार लगाते हुए शाहनवाज हुसैन ने फिर किया है इशारा कि फिर चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कोई भी कोशिश कर ले, फिर चाहे मायावती साइकिल का सहारा ले ले, लेकिन जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही होगी। अब तक मिली खबरों की माने तो ईसी को एक पक्ष को लेकर बात होने पर शाहनवाज का गुस्सा भी फूटा। उन्होंने कहा ईसी बिल्कुल भी एक पक्ष नहीं, अगर ऐसा होता तो ममता बनर्जी चुनाव प्रचार नहीं कर रही होती, आखिरी दिन तक टीएमसी का प्रचार नहीं होता, यही कहना है शाहनवाज हुसैन का। आपको हम जानकारी देना चाहेंगे कि साथ साथ ईसी को लेकर फटकार लगाने के लिए जब लगातार बातें सामने आई तो उन्होंने ईसी को लेकर भी कहा, पश्चिम बंगाल पुलिस ने जिस तरह से ममता बनर्जी के इशारों पर डांस किया है, उन्होंने उम्मीद की, यानी कि ममता बनर्जी ने उम्मीद की कि इलेक्शन कमीशन भी कुछ ऐसा ही करे, उनके इशारे पर नाचे। शाहनवाज हुसैन का ये बयान सामने आया है और साथ ही साथ उन्होंने बताया किस तरह से, जिस तरह लोग सोच रहे हैं कि ममता बनर्जी की जीत देश की जीत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत के आगे ममता भी डर रही है और इसलिए ही ममता बनर्जी ने रैली रखी। जी हाँ, 16 मई की तारीख को ये बात सामने आई थी। तो वहीं ईसी ने बिल्कुल भी पीएम के पक्ष में कोई फैसला नहीं लिया और ना ही विपक्ष के खिलाफ है इसे, बल्कि न्याय करती है इलेक्शन कमीशन की कमेटी। जी हाँ, इस पर खुलकर बात करते हुए एक मीडिया रिपोर्ट के माने तो शाहनवाज हुसैन ने अपनी बातें रखी, जिससे ये बात साफ जाहिर होती है कि उनका इस बार निशाना
ना सिर्फ कांग्रेस पर है बल्कि टीएमसी पर भी है, गठबंधन की पार्टी पर भी है, जिनको लेकर ये कहा गया कि बीजेपी से उन्हें टिकट नहीं मिला भागलपुर में, जिससे वो काफी नाराज है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, धोखे के साथ भी शाहनवाज हुसैन बीजेपी के साथ ही खड़े हैं, जिन्हें ये लगता है कि वो नाराज है। SPN 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।